एलियन रोमुलस का ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर काफी इम्प्रेसिव है। हुक तो कर दिया है ट्रेलर ने मुझे और अब मन तो कर रहा है इस मूवी को देखने का। वैसे एलियंस एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज है, इसमें मूवीज है, शॉर्ट फिल्म्स है, सीरीज है, बहुत कुछ है इसमें। मैंने एलियन फ्रेंचाइज को बहुत अच्छे से फॉलो तो नहीं किया है क्योंकि इसकी जो पहली फिल्म है ना जो 1979 में आई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसके बाद जितनी भी फिल्में आई ना वो सारी उससे डाउनग्रेड होती हुई फील हुई, तो उनमें उतना मज़ा नहीं आया। हालांकि बाद में जब प्रोमिथियस आई तो वो मुझे अच्छी लगी और उसका भी ये सीन है कि वो बहुत ही पोलराइजिंग है, मतलब कुछ लोगों को वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है और कुछ लोगों को वो उतनी ही बुरी लगी है। अब जब मुझे पता चला कि एक और एलियन बन रही है तो मैं उतना ज्यादा हाइप नहीं था मूवी को लेके, पर फिर मुझे पता लगा कि इसको फीडी एल्वारेस बना रहे हैं तब मेरी एक्साइटमेंट आसमान छूने लगी, क्योंकि फीडी एल्वारेस बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और उनका काम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उन्होंने दो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज बनाई है, एक है इविल डेड और दूसरी है डोंट ब्रीथ। हालांकि उनकी तीसरी फिल्म बहुत ही अनबेरेबल थी, मैं बात कर रहा हूँ द गर्ल इन स्पाइडर्स वेब की, जो कि सीक्वल था द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू का। और द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू अल्टीमेट मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है ना तो ट्रस्ट मी यार, एक बार देख लो, दिल खुश हो जाएगा। तो फीडी एल्वारेस ने तीन में से दो फिल्में बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाई है तो उन पे भरोसा तो है मुझे। और उनका नाम जिन भी प्रोजेक्ट से जुड़ा है वो अच्छे ही होते हैं और एलियन रोमुलस को तो वो डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे एलियन रोमुलस का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा शानदार है और इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ही अच्छी है, जैसे कि लास्ट में वो जो मूवी का टाइटल लिखा आता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ओरिजिनल एलियन में था, जो दिखाता है कि ओरिजिनल के प्रति उनके दिल में कितनी रिस्पेक्ट है और उनकी इस रिस्पेक्ट की मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। इन स्पेस नो वन कैन हियर यू स्क्रीम, इस बात का बहुत ही अच्छे से यूज किया है ट्रेलर में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और पूरे ट्रेलर में बहुत सारे होमाजेस दिए गए हैं ओरिजिनल एलियन को, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो दिखाता है कि हाँ फिल्म मेकर्स ओरिजिनल को कितना मानते हैं, वो खुद एक फैन है ओरिजिनल के। और ये हमने पहले भी देखा है कि जब फिल्म मेकर्स जो है ओरिजिनल सोर्स मटेरियल की कदर करते हैं, उनके फैन होते हैं, उनसे प्यार करते हैं ना, तो वो चीज़ उनकी फिल्म मेकिंग में भी दिखती है, उनकी मूवीज में भी दिखती है और ये जो है हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिल जाता है। तो वहीं से उम्मीदें तो बहुत है इस मूवी से, इस पूरे ट्रेलर से वही ओरिजिनल एलियन की क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आ रही है। पता है एलियंस के बाद जितनी भी एलियन मूवीज बनी उनमें उतना मजा क्यों नहीं आया, क्योंकि उन सभी से ना एक्शन मूवी वाली वाइब आ रही थी, हॉरर वाली वाइब नहीं आ रही थी। और एलियन रोमुलस फाइनली ओरिजिनल के बाद वो मूवी है जिससे एक्चुअल में हॉरर वाली वाइब आ रही है। और फीडी एल्वारेस की एक खासियत रही है कि वो ओरिजिनल की रिस्पेक्ट करते हैं और ये चीज मैंने इविल डेड में भी नोटिस करी थी और ये चीज मैंने इस ट्रेलर में भी नोटिस करी है। वैसे पूरे ट्रेलर में काफी चीजें नोटिसेबल है, जैसे कि ओरिजिनल में नोस्ट्रोमो स्पेसक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स को एक प्लेनेट से डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो लोग जाते हैं और वहां पे उनके स्पेसशिप में कुछ एलियंस घुस जाते हैं। और यहाँ एलियन रोमुलस में भी ये लोग स्पेस पे किसी मिशन पे जा रहे हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात एलियन से होगी। मूवी के विजुअल बहुत ही हॉरिफाइंग लग रहे हैं, प्रॉपर हॉरर मूवी वाली वाइब आ रही है और पूरी मूवी में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 100% प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं सीजीआई के मुकाबले, क्योंकि जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत ही टेंजिबल लगते हैं, उन्हें देखते हुए फील आता है कि हाँ ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक्चुअल में इस लोकेशन पे, इसलिए मजा आता है देखने में। एक्चुअल में लगेगा कि हाँ यहाँ पे एलियन है, ये लोग एलियन के साथ फाइट कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस रहेगा थिएटर में वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सच कहूँ टेक्निकली ये फिल्म काफी सुपीरियर लग रही है, सीन्स को और भी ज्यादा स्केरी बनाने के लिए रेड लाइट्स का यूज किया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पूरे ट्रेलर में वो जो डार्कनेस और लाइट को यूज किया है ना एक साथ एक एटमॉस्फेयर बिल्ड करने के लिए, वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। बस पूरे ट्रेलर में मुझे एक ही कमी लगी कि कास्ट में वेरिएशन नहीं है। नहीं, मैं डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे यंग एडल्ट्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ी एज वेरिएशन होनी चाहिए थी। क्योंकि डर सिर्फ एक बात का है कि कहीं ये लोग इस मूवी को केवल टीनेज स्लैशर मूवी ना बना दें, अदरवाइज फेस हगर्स, ज़ेनोमॉर्फ्स, पल्स राइफल्स और पैरालाइजिंग टेरर को बिग स्क्रीन में देखने में मजा आने वाला है। और थिएटर्स में ये मेरी पहली एलियन मूवी होगी तो सच में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि ट्रेलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन गई है जोकर के बाद, जोकर फोलिया दू। सच में इसके ट्रेलर ने तो मुझे पूरी तरह से इम्प्रेस किया है और होपफुली इस ट्रेलर की तरह मूवी भी बहुत ही अच्छी होगी।
सो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप एलियन यूनिवर्स से फेमिलियर हो? आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर को लेके और ओवरऑल एलियन फ्रेंचाइज को लेके, एलियन यूनिवर्स को लेके? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और हाँ, एलियन रोमुलस के रिलीज के वक्त इस पे और भी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मूवी खत्म होने के बाद भी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।